पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने नमाज विवाद पर कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, यहाँ पर ये कोई विवाद नहीं है कि हम गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलकर समाधान निकाला जाएगा, हिंदू भाई अपना मंदिर बनाए और मुस्लिम मस्जिद बना ले। सपा सांसद ने कहा कि देश किसी के बाप की जागीर नहीं है जो कोई मुसलमानों का दूसरे दर्जे का नागरिक बना देगा। ये देश सबका है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। इन्हें लड़ाने से किसे राजनीतिक लाभ मिलता है आप सब जानते हो। गांव में माहौल अच्छा है, मामले को आपस में बैठकर सुलझा लिया जाएगा। मुसलमान यहां पहले से नमाज पढ़ते चले आए हैं, अब रोक लगा दी गई है। जी हाँ, मेरे संज्ञान में अभी सुबह कुछ लोग आए थे और मेरी बात अधिकारियों से भी हुई है, एसओ से भी हुई है। मुझे पता ही चला है कि इस गांव के अंदर 50 साल से एक जगह पे नमाज होती थी। जो ज़िम्मेदार थे उस गांव के पहले, उनका वहां पे डेरा था, वहीं पे नमाज हुआ करती थी और जुमे की नमाज पढ़ते थे। कोई माइक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। उस पर कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और उन लोगों ने इस बात को कहा कि ये नई परंपरा है या इस तरह की बातें करी, लेकिन मेरी इंक्वायरी के मुताबिक ये नई परंपरा नहीं थी। नमाज को वहाँ पे मना कर दिया गया। फिर उनसे ये कहा गया कि आप कहीं और नमाज़ पढ़ लें। जब उन्होंने दूसरी जगह नमाज़ पढ़ी तो भी उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उनसे फिर ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में आप अकेले नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारी बात हुई है क्योंकि ये इस गांव में सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और अच्छा माहौल भी है, यहाँ पे ख़राब माहौल नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इस गांव में ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि गांव के अंदर सहमति से एक मस्जिद भी बने और एक मंदिर भी बने, अपने अपने तरीके से लोग अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें और माहौल को सही रखें इस पूरे इलाके में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।